एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोइंग माइंड्स। आई एम योर मेंटर फॉर फिजिक्स। एज इन लास्ट लेक्चर वी ऑल स्टार्टेड विद द चैप्टर 9th, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड वी स्टडीड अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास फिजिक्स में तीन लॉज ऑफ मोशंस हैं दैट आर बाय न्यूटन, और ये लॉज ऑफ मोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर लर्निंग मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमारे 9th की साइंस से रिलेटेड हैं। ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फर्दर न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। स्पेशली जो हमारा सेकेंड लॉ है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है। फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, पहले मैं एक बारी हिंदी में बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ कहना चाहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ऑलरेडी, या वो यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अनलेस एंड अंटिल हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन तो वो यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट भी आपको रीड आउट कर देती हूँ। जब भी हमें कोई भी स्टेटमेंट लिखनी हो किसी भी लॉ की, हमें हमेशा क्या करना है कि एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट हमें दी होगी, हमेशा किसी भी लॉ की, किसी भी डेफिनेशन की, कोई भी और पोस्टुलेट्स आ जाए, हाइपोथेसिस आ जाए आगे, तो हमें वो एज इट इज लिखने होते हैं, क्योंकि वो किसी की दी गए स्टेटमेंट्स हैं, हम उसे अपनी तरह से इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब हमें उस लॉ को एक्सप्लेन करना है किसी को, तो हम अपनी तरह से उसे लिख सकते हैं या अपनी तरफ से बता सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अनलेस एंड अंटिल हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया है, कंपेल किया है, एक आउटर फोर्स लगाया है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी जो है स्टेट ऑफ पोजिशन में ही रहता है। जो ये लॉ है, ये लॉ या तो इनर्शिया ऑफ मास या इनर्शिया ऑफ मोशन, इन दो चीजों पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं बस में जा रहे हैं, बस में एक बार एकदम से ब्रेक अप्लाई की और वो बस एक अच्छी खासी स्पीड से जा रही थी, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती है हम आगे को गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस मोशन में रहने की आदत थी, हमारी बॉडी को उस मोशन में रहने की आदत थी। जैसे ही बस रुकती है हम आगे को ही जाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है, झटका लग जाता है, आगे को गिर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोग। ये तो था इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट चीज ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ मास ये चीज है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा ड्यू टू इट्स मास। वो अपने मास की वजह से अपनी ही जगह पे है, हिल नहीं रहा, उस पर कोई भी आउटर फोर्स नहीं लग रहा। अगर टेबल पे बुक्स पड़ी हैं, वो टेबल पे ही पड़ी हैं, अनलेस या अंटिल हम उस चीज को खोलेंगे, उन बुक्स को पढ़ेंगे, वो एज इट इज नहीं तो वहीं पड़ी हैं। अच्छा, इस चीज का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी रियल लाइफ से भी बहुत जगह रिलेट होता है। एज ए ह्यूमन बींग भी हमें बहुत सारी चीजें करने के लिए एक मोटिवेशनल पुश चाहिए होता है, हमें एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है, अदरवाइज हम उसी स्टेट में रहते हैं अपने। सिमिलरली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही है कि हमें कोई भी चीज करने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई आउटर फोर्स नहीं लगाया गया, उस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब रखा गया, तो वो उसी पोजीशन में रहेगा। यहाँ पे अनडिस्टर्ब वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये भी मेंशन किया हुआ है, दिस इज स्टे रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, इसको चीज को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसी वजह से जो फर्स्ट लॉ है उसका सेकंड नेम है द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का सेकंड नेम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती।
क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बुक को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, अच्छा लॉ हाईलाइटेड है उसे पढ़ लिया, रेस्ट कुछ नहीं रीडिंग करते हैं, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग वी डू। हमें हर चीज को एक रीडिंग देनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई है, यू कैन गिव देम अ रीड, अ गुड रीड। अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो है इनर्शिया एंड मास है, जो मैंने आपको इसी चीज में फर्स्ट लॉ में ही एक्सप्लेन कर दिया, वही सेम चीज है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स बीच बीच में अटैच करूंगी, और अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए हैं, यू कैन चेक इट ऑन आवर वेबसाइट, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू दीज क्वेश्चन आंसर्स। ये फोर क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रॉपर इनके प्रॉपर ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, इनके प्रॉपर नोट्स जो हैं वो मिलेंगे आपको वेबसाइट पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।